राजस्थान हरियाणा सब जगह से ट्रांसपोर्टर आएंगे, छोटे ट्रक वाले आएंगे, टैक्सी वाले आएंगे, बड़े ट्रक वाले आएंगे, सारे आएंगे। बेसिक मांग है 2017 की टैक्सी स्कीम को लागू करा जाए। चोर कमीशन होता है 10%, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। फिर ये चाह रहे हैं हमें ब्रिटिश राज की तो हुकूमत चलाए, बट हम आजाद इंडिया में है, हम हुकूमत इनकी नहीं मानेंगे। हमने बनाया तो बिगाड़ भी देंगे सरकार को, सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं जंतर मंतर मौजूद हूं और यहां पर जो कवायद छेड़ी गई है, ड्राइवर्स हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं। क्यों इकट्ठे हुए हैं इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इन्हीं से। सर, यहां पर क्यों आप लोग बैठे हुए हैं यहां पर और कितने दिन से बैठे हुए हैं? हमारी 18 तारीख से ड्राइवरों ने हड़ताल घोषित करी है जो 19 और 20 को भी चली थी, और लगातार यहाँ पर ड्राइवर बैठे हुए हैं। 18 तारीख को CM आवास के बाहर बैठे थे, वहाँ से सबको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद कल यहाँ पर बैठे हैं, आज यहाँ पर बैठे हैं। रोज़ एक मतलब यूनियन जाकर परमिशन लेकर आती है। आज तुम्हारा क्या इकोनॉमिक टैक्सी, आज उन टैक्सी वालों ने लिया है, ठीक है ना। और साथ में ही ये हड़ताल कोई बंद नहीं हुई है, कुछ सरकार के चाटुकार लोग इसको परमिशन दे रहे हैं कि बंद हो गई है, बिल्कुल बंद नहीं है। ड्राइवर आपके सामने रोड पर, गाड़ियाँ कम चल रही है, उन लोगों की वजह से ड्राइवर सड़क पर निकल गए। लेकिन साथ में ही IFAD के हिसाब से, IFAD के द्वारा ये कलकत्ता में, लखनऊ में, हैदराबाद में, चेन्नई में और दिल्ली में, 5 राज्यों में और हो चुके, ये नेशनल लेवल की आवाज़ हो चुकी है, कोई हड़ताल हो चुकी है, ये कोई छोटी मोटी हड़ताल नहीं रही है। क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? बेसिक मांगे है 2017 की टैक्सी स्कीम को लागू करा जाए, सिटी टैक्सी स्कीम को लागू करा जाए, कमीशन कम करा जाए। चोर कमीशन होता है 10%, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम 10% से 25 से 35% कमीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक तो दो मांगे हमारी है। इसके पहले भी मैं जो है यहाँ पर आई थी, आप लोग बैठे थे, मैंने इन्हीं सर का इंटरव्यू किया था, तो उस टाइम भी आपकी मांगे नहीं सुनी गई थी, तो आपका कहीं ना कहीं आपका आंदोलन कमजोर तो नहीं है? आप लोगों में ही कहीं यूनिटी नहीं है? आंदोलन तो कमजोर नहीं है मैडम जी, पहले तो सरकार ने बोला था विकास आएगा, विकास नहीं आया, 15 लाख नहीं आए। बाबा रामदेव जी ने ये बोला था कि भैया पेट्रोल कर देंगे 35 और डीजल कर देंगे 30, तो यानी हम कमजोर नहीं है, ये लोग जुमलेबाज है, इन्होंने कान में रुई मुँह में दही जमा रखी है। आप CNG और उस चीज़ों के खिलाफ बैठे हैं? हम उस खिलाफ भी बैठे हैं जो डीलक्स गाड़ियाँ घर पर आती है लोगों के। पर ये मुद्दा नहीं है ना, हलाल मीट, लाउड स्पीकर, अजान, ये सब मुद्दा है, ये तो मुद्दा नहीं है। धार्मिक मुद्दे सरकार फैला रही है, आपकी कौन सुनेगा? आप ही लोग उस सरकार को लेकर आए हैं पहले तो। हम ही सरकार को हटा भी सकते हैं, ये भाई हटा नहीं सकते सरकार में, इतनी ताकत है, आप लोग हटा लेंगे? जब ये सरकार को लेकर आए तो ये हटाएंगे? एकता है आप लोगों में? आप तब से अब तक बैठे हैं, कुछ हिला नहीं पाए, सरकार को हिला नहीं पाए, उसकी सत्ता को हिला नहीं पाए आप? टाइम लगता है, टाइम सरकार को हिलाने, टाइम लेंगे, ये तो सरकार पे डिपेंड है कब उनका। बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर चलाना चालू कर दिया है और आप लोग एक ही मुद्दा लेके बैठे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है ना, CNG मुद्दा है। महंगाई और CNG मुद्दा है, आप गलत बोल रहे हो। आपको गाड़ी चाहिए घर के नीचे AC वाली है, बटन दबा 20,000 का फोन दबा के, वो मुद्दा नहीं है सरकार के लिए, मुद्दा नहीं है ये सरकार, मानिए मेरी बात, सरकार मुद्दी हो जाएगी और उसके लिए मुद्दा नहीं है तो ये सरकार को बता दिया जाता। अगर आपके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है तो प्रधानमंत्री जी कैसे कह दिया था आपने कि मनमोहन सिंह के नाम पर महंगाई का मान नहीं सुना, और बाबा रामदेव, लाला रामदेव लोग तो खुश है कि महंगाई हो रही है, अच्छी बात है, वो पे करेंगे। हाँ तो पे करो, पे डीलक्स कार में बैठने के लिए पे करो डीलक्स कार का किराया। आप गरीब आदमी के लिए ऑटो बना है, मेट्रो बनी है, बस बनी है, AC डीलक्स कार नहीं बनी, वो अभी रात में उसका किराया निर्धारित करो, यही तो हमारी डिमांड है। कदम रहेंगे अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई, यहाँ पे ऐसे सुनसान में बैठे कहाँ से सरकार सुन लेगी? सुनसान है, सुनसान है, आप अभी देखना कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ये ड्राइवर बैठ रहे हैं, सुनसान है, जंतर मंतर है, ये यहाँ पर आंदोलन करने की परमिशन ही यहाँ पर मिली है। बताइए, आप बताइए, आप कह रहे हो कि ना कि कोई वो नहीं है, आप क्या चाहते हो हम लोग तोड़ फोड़ करें या कुछ गुंडागर्दी करें? मैं नहीं कह रही हूँ,
शांति से बैठे, आपकी आवाज कहाँ जाएगी? प्यार से बात कर रहे हैं, हर चीज चालू है। आप शहर में घूम के पता कर लीजिए, हमारी रात में भी ड्यूटी चलती है और दिन में भी चलती है। किसी को भी नहीं पता आप यहाँ बैठे हुए। आप तहलका मचा मच गया है पूरी दिल्ली शहर में, कितनी की गाड़ियाँ पंचर हो गई, कितनी की टूट गई, कितनी की फूट गई। कान बंद है, वो तो सरकार अंधे हैं, सरकार तो अंधे हैं, अंधे कानून है हमारे देश में। फिर ये चाह रहे हैं हमें ब्रिटिश राज की तरह हुकूमत चलाए, बट हम आजाद इंडिया में हैं, हम हुकूमत इनकी नहीं मानेंगे और हमारा मुहिम चालू है। हुकूमत नहीं मानेंगे तो देश निकाला हो जाएगा आपका, देश में घोटाला हो जाए लंका की तरह, ये जड़ भी जाए मुझे देश निकाला हो जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा यहाँ से। कहाँ भेजेगा? एनआरसी के तहत कहाँ, जहाँ भी भेजना है ये तैयारी कर ले, हम लोग भी तैयारी होकर बैठे हुए हैं। खिलाफ बोलेंगे तो देख लीजिए, सरकार अगर भेजेंगे तो हम लोग भी तैयार है सरकार के साथ लड़ने के लिए। हमने बनाया तो बिगाड़ भी देंगे सरकार को, सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। कैसे हिलाएंगे सरकार को? कैसे हम अपने जन अपने एकता के दम पर, एकता के दम पर। हम ड्राइवर हैं, हम ड्राइवर हैं, अगर एक एक पैसेंजर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे सुरक्षित छोड़ सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कल हमारे बीच का ड्राइवर, हम लोग में इतनी एकता है होने वाली है कि हम लोगों के बीच का ड्राइवर कल प्रधानमंत्री के रूप में भी आ सकता है। सरकार चला मंत्री बना देंगे आपके बीच से आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। चुनिंदा लोग ही आते हैं प्रधानमंत्री बनने, बिल्कुल। गाड़ी चलाने वाला नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला बना है, हम तो गाड़ी चलाने वाले हैं। आपके देश के प्रधानमंत्री से आया था, केजरीवाल भी तो आम आदमी पार्टी बनाया था, हमने भी जनसेवा ड्राइवर पार्टी बना लिए, ड्राइवरों का पार्टी बन गया है, ड्राइवरों की पार्टी बन गई है जनसेवा ड्राइवर पार्टी। आएगी इस बार केजरीवाल खत्म खत्म, आम आदमी गई, आम जनसेवा ड्राइवर पार्टी आएगी, आम आदमी जाएगी। पार्टी कयामत ढाएगी कि नहीं? मैं ये हमारे अध्यक्ष हैं, जनसेवा ड्राइवर पार्टी का पार्टी आपकी कहर ढाएगी कि नहीं? देखिए, केजरीवाल जी को ड्राइवर ने बनाया था और अब वही ड्राइवर उनको उतारेंगे और अपनी खुद की पार्टी को उस कुर्सी पे बिठाएंगे। मैं जनसेवा ड्राइवर पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो आप कुर्सी से उतारने की बात कर रहे हैं सर, वाकई में उतर जाएंगे कुर्सी से? देखिए, सबसे बड़ी ताकत होती है वोट की। आप तो चला गया सर, आप अभी एमसीडी के चुनाव आने हैं, पहले छोटे चुनाव आएंगे, पहले उसमें फैसला होगा, फिर अगली बार विधानसभा चुनाव में हम उनको उतारेंगे। और हमारी पार्टी अभी गुजरात में लड़ रही है, इस साल 25 कैंडिडेट वहाँ पे हमारे उतर रहे हैं। गुजरात में पार्टी बन चुकी है, ये नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है। गुजरात में 25 कैंडिडेट उतर चुके हैं जी, बिल्कुल। कमाल होगा वाकई में। देखिए, शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है, तो ये एक शुरुआत है ड्राइवर भाइयों की तरफ से। चुनाव में जो है आप दिखाएंगे जी, हाँ, हम खड़े हो रहे हैं ना ईस्ट दिल्ली से, मैं जनसेवा ड्राइवर का प्रभारी हूँ ईस्ट दिल्ली का। तो मैम, केजरीवाल जी जब हमारे ही दम पे ड्राइवरों के दम पे अपनी पार्टी बना लिया और यहाँ से क्या रणनीति ला दी है केजरीवाल जी ने, क्यों खफा है उनसे? केजरीवाल जी को हम लोग हटा कर छोड़ेंगे मैम, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में। क्या अच्छा करे, अच्छा काम कर दे तो हम जंतर मंतर आते हैं, जंतर मंतर कौन आता है, जो दुखी होता है वो आता है। अगर जंतर मंतर रोक यार बोल ले तो तू बोल, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, असल में भ्रष्टाचार फैलाने वाले जो है केजरीवाल जी हैं। दलाली प्रथा को खत्म करने का दावा करते हैं और दलाली स्टार्ट करते हैं, हटा देंगे जब अरे यार ओला बड़े, चुप रहो यार पंडित जी बोलने दो। जब बात यह है कि जब हम केजरीवाल जी को रहने ही नहीं देंगे तो फिर वो क्या कर लेंगे? बढ़िया काम कर रहे हैं, क्यों खफा है? क्या बढ़िया बढ़िया काम करते तो हम लोग जंतर मंतर आते हैं। लोगों से आप जाके पूछिए, घर घर बिजली पानी सब फ्री हो रहा है, सब चीजें मिल रही है। तो फ्री होता तो विदाई में जी मैम, सीएनजी फ्री क्यों नहीं हो रही है? फ्री अपने घर पे दे रहे हैं, सीएनजी फ्री क्यों नहीं हो रही है? वो पिछले 7 सालों से जब से ड्राइवर ने उनको कुर्सी बिठाया, वो आज तक किसी भी ट्रांसपोर्टर को, किसी भी संगठन को उन्होंने बुला के मीटिंग नहीं की है। सिर्फ जीतने तक वो सड़कों पे घूमे। सत्ता में आने के लिए आपका उपयोग किया गया? सत्ता में आने के लिए सभी ड्राइवर समाज का उपयोग किया गया और बिल्कुल किया गया, और सारा ड्राइवर समाज आज जाग चुका है। आप उनके ऊपर बड़ा वो लगा रहे हैं, ये रियलिटी है, आपको खुद भी मालूम होगा। आप उनका ऑडियो सुनो, उनका वीडियो सुनो,
खुद उन्होंने बोला है कि 70% जो चालक समाज है, पानी फ्री है, आपको फ्री बता है, दूं डीटीसी बस फ्री है, दिल्ली सीएनजी पे क्यों नहीं सब्सिडी, पूरे इंडिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से 34 करोड़ लोग जुड़े हैं। सेकेंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर ये इंडस्ट्री है, ये किसी भी सरकार को उतार भी सकती है और उस किसी सरकार को बिठा भी सकती है। अच्छा, आगे क्या कदम रहेंगे अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई तो आपकी? हम लोग यहाँ पे हम अनिश्चितकालीन बैठे हैं, 25 तारीख को यहाँ पे सारे ट्रांसपोर्टर भी आ रहे हैं समर्थन के लिए और यहाँ से एक रैली निकलेगी। वो रैली कहाँ जाएगी वो मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो सस्पेंस में है, लेकिन 25 तारीख को यहाँ से एक बड़ी रैली निकलेगी, दिल्ली में निकालेंगे, निकलेगी और उसमें पूरा ट्रांसपोर्ट आएगा, सरकार के खिलाफ निकलेगी। राजस्थान हरियाणा सब जगह से ट्रांसपोर्टर आएंगे, छोटे ट्रक वाले आएंगे, टैक्सी वाले आएंगे, बड़े ट्रक वाले आएंगे, सारे आएंगे और आप खुद यहाँ देखेंगे उस दिन। अभी जो है हमने बात की इन्हीं लोगों से और जाना कि इनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से सत्तारूढ़ी लोग जो बैठे हुए हैं सत्ता में और बहरी गुंगी सरकार हो चुकी है और इनकी मांगे जो सुन नहीं रही है लगातार इनकी कवायद में, इससे पहले भी इनका इंटरव्यू कर चुकी हूँ, ये लगातार इसी चीज़ के लिए बैठ रहे हैं मगर सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि बड़ी रैली निकलेगी, अब क्या कुछ करेंगे जानेंगे इसी जनहित आवाज़ पर, और तब तक के लिए देखते रहिए जनहित आवाज़। नमस्कार।